Subscribe now for all the latest and trending updates. ये बात बिल्कुल सच है कि ऐश्वर्या राय इकलौती ऐसी एक्स गर्लफ्रेंड है सलमान खान की, जो कि कभी भी सलमान के साथ अपने रिलेशंस ठीक नहीं करना चाहेंगी। और ब्रेकअप के बाद उन्होंने उनसे मिलना तो दूर की बात, बातचीत तक करना बंद कर दिया था। सलमान और ऐश्वर्या एक काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में आ गए थे जब ये दोनों संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग कर रहे थे। हालांकि एक काफ़ी बिटर नोट पर काफ़ी ख़राब तरीके से इनका अफेयर एंड हुआ। ऐश्वर्या ने ये भी आरोप लगाए सलमान खान पर कि सलमान खान उन्हें फिजिकली और साथ ही साथ इमोशनली एब्यूज़ किया करते थे। तो वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप के बारे में बात की थी सलमान खान के साथ, और उन्होंने कहा था कि वो कभी भी सलमान खान के साथ काम नहीं करेंगी, यानी कि वो कभी भी दोबारा सलमान खान के साथ बॉलीवुड में नहीं दिखने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा, सलमान खान के साथ काम करने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए, और आपने मुझसे काफ़ी गलत सवाल किया जब मैंने ये बोल ही दिया था कि मैंने उनके साथ अपना एसोसिएशन ख़त्म कर दिया है। और ये बात मैंने तब बोली थी जब मैं हॉस्पिटल में थी अपने फ्रैक्चर्ड फुट के साथ। बता दें आप सभी को कि वो इंजर्ड हो गई थी ऐश्वर्या राजकुमार संतोषी की खाकी फिल्म के दौरान, जिस दौरान वो हॉस्पिटल में थी, और उन्होंने वहीं से स्टेटमेंट पास कर दिया था। ऐश्वर्या ने ये भी कहा कि आई रोट दैट स्टेटमेंट फ्रॉम अ हॉस्पिटल बेड वेयर आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट आई वाज डूइंग। यानी कि ये सारे बयान, ये सारा स्टेटमेंट मैंने हॉस्पिटल से दिया था, जहाँ पर मेरे पास बहुत सारा टाइम था कि मैं सोच सकती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो कि अपने डिसीजन को रिवर्स कर लूँ किसी पर्पस की वजह से। यानी कि मेरा डिसीज़न बिल्कुल अटल है और ये डिसीज़न वैसा ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए कि मैं सलमान के साथ कभी काम करूँगी या फिर नहीं करूँगी। खैर, आपके रिएक्शन है इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइए, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।